बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप एनओ टू ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड नाइट्रेशन। जैसे एग्जांपल में शो कर रहे हैं, बेंजीन प्लस एच एन ओ थ्री एड करेंगे और H2SO4 अ फ्यू ड्रॉप्स एज कैटलिस्ट। तो 50 to 55 सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होगा एंड वी गेट नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन के एक कॉर्नर से हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे एनओ टू लग जाएगा। तो जो बेंजीन का एक एच निकला था वो, और एच एन ओ थ्री में से एक एच और एक ओ निकला, तो वो मिलकर टोटल एच टू ओ बन गया। अब इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ, एच एन ओ टू प्लस एच टू एस ओ फोर जब आपस में मिलते हैं तो एक एन ओ टू प्लस बनेगा नाइट्रोनियम आयन, एक एच एस ओ फोर माइनस और साथ एच टू ओ। अब बेंजीन के साथ एन ओ टू प्लस रिएक्शन करेगा तो बेंजीन का डबल बॉन्ड जो है वो एन ओ टू से जाकर मिल जाएगा। जब एन ओ टू आएगा एक कॉर्नर पे, चूंकि हाइड्रोजन हर कॉर्नर पे पहले से मौजूद है, तो उस कार्बन के चार बॉन्ड तो पूरे रहेंगे, दो बेंजीन के अंदर और एक एन ओ टू के साथ और एक एच के साथ। लेकिन उससे जो नीचे वाला कार्बन है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके दो बॉन्ड बेंजीन के अंदर नजर आ रहे हैं, तीसरा एच है जो यहाँ दिखाया नहीं गया, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और एक बॉन्ड की कमी से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एच एस ओ फोर माइनस जो ऊपर बना था वो क्या करेगा, वो एक हाइड्रोजन को लेकर एच टू एस ओ फोर बना देगा, जो जैसे एरो शो कर रहा है, तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। जब डबल बॉन्ड बना, चूंकि बेंजीन के चार बॉन्ड हर कार्बन के पूरे हो गए, लिहाजा वहां पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। देन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वन में से है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट जैसे ऊपर डेफिनेशन में बात हुई है, दो तरह के रिएक्शन है, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। पहला एल्काइलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हेलाइड एंड कैटलिस्ट AlCl3 इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यानी अगर हम बेंजीन लें और उसके अंदर आर एक्स से मुराद जैसे CH3Cl अल्काइल हेलाइड होता है, और AlCl3 डालें, तो बेंजीन के किसी एक कार्नर पे जो कार्बन है उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 लग जाएगा, और साथ बनेगा प्लस HCl जो यह मेंशन नहीं हुआ, तो अगर कर लें तो बेटर है। मैकेनिज्म, RCl प्लस AlCl3 जब आपस में मिलते हैं तो एक बनता है AlCl4 माइनस, प्लस जो R होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे अभी मैंने बोला R से मुराद जैसे CH3+ मिथाइल रेडिकल आयन। देन वो जो R प्लस है या CH3+ है, वो जब बेंजीन से रिएक्शन करेगा बिल्कुल पिछले रिएक्शंस की तरह, बेंजीन का डबल बॉन्ड उस R पे अटैक करेगा, R को अपने साथ मिला लेगा, तो ये बन जाएगा R H पहले से था, नीचे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसका एक बॉन्ड कम हो गया था। फिर R H और जो पॉजिटिव चार्ज था उसके साथ आके AlCl4- कंबाइन करेगा, AlCl4- यहाँ से हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगा, तो एक बन जाएगा HCl। जब AlCl4 ने HCl निकाल दिया, पीछे रहेगा AlCl3। वो जो AlCl4 पे नेगेटिव चार्ज बोला था वो Cl के जाने से फिनिश हो गया। अब जो पीछे H गया उसके बाद अगर हम गौर करें, वहां से एरो नीचे आ रहा है, तो वो जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है एज अ डबल बॉन्ड वापस आ गया, तो बेंजीन कंप्लीट हो गए। द नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जैसे वहां पे कहा था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो इसमें आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ
एसाइलाइड, वहां एल्काइलाइड बोला था, एंड अ कैटलिस्ट AlCl3 इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब क्या फर्क होता है एल्काइल ग्रुप में और एसाइल में? एल्काइल में था RCl, तो R इज एल्काइल, लेकिन अगर R के साथ C डबल बॉन्ड O भी लगाओ तो उसे कहते हैं एसाइल ग्रुप। जब R C डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3 मिलते हैं, एक बन जाएगा AlCl4 माइनस, एक बनेगा R C डबल बॉन्ड O प्लस। अच्छा, अब बेंजीन के साथ जब R C डबल बॉन्ड O प्लस मिलेगा तो बेंजीन का डबल बॉन्ड C पे अटैक करेगा, तो ये एक CH और C डबल बॉन्ड O R बन जाएगा, उससे नीचे वाला जो C है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। वी बिलीव कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे पॉजिटिव कार्बन मौजूद होता है, इसलिए बोला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के अंदर वाली साइड पे लिखे या बाहर वाली साइड पे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जिस कार्बन ने ऊपर बॉन्ड बनाया उससे नीचे वाली कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज आया हुआ। अब जो AlCl4 माइनस है, इसके ऊपर अगर हमें नेगेटिव चार्ज नजर नहीं भी आ रहा तो हम खुद लगाते हैं कि इट इज AlCl4 माइनस दिस वन। जब ये H को अपने साथ मिलाएगा तो एक बन जाएगा HCl और एक जो H रिमूव हुआ उसका बांड नीचे आके डबल बांड बन गया, तो बेंजीन के साथ C डबल बांड हो R लग गया, यानी एसाइल ग्रुप लग गया, एसाइल बेंजीन, एक HCl और एक AlCl3 वापस बन गया। अब एज अ एग्जाम्पल बताया गया, ये पहले तो हमने R से शो किया था, तो अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें, जैसे पिछले में मैंने बोला था कि R को हम C3 लिख सकते हैं, तो देखिए बाकी सारा कुछ वही है, जहाँ ऊपर R लगा था वहां हमने क्या लगा लिया, CH3 लगा लिया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3, तो जब R लगा हुआ था वहां पे CH3 आ गया। इसका नाम एसाइल बेंजीन भी है और इसका अपना एग्जैक्ट नेम एसीटोफिनोन भी है। देन जो मैकेनिज्म वाले रिएक्शन थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट आता है अदर रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। जितने रिएक्शन पीछे पड़े हैं उनमें सिर्फ बेंजीन रिंग सलामत रहती थी, ऊपर सब्स्टिट्यूशन होती थी। अब एडिशन रिएक्शन, तो पहला है रिडक्शन। रिडक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या बेंजीन में चूंकि हमें तीन डबल बॉन्ड नजर आ रहे थे तो तीन H2 ऐड होंगे। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि निकल या प्लेटिनम यूज कर लेते हैं फॉर हाइड्रोजिनेशन। जब हमने निकल या प्लेटिनम यूज किया एट 200 सेंटीग्रेड तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन के तीनों बॉन्ड हमने ये नहीं समझना कि गलती से भूल गया, बल्कि ये हाइड्रोजन ऐड होने से फिनिश हो गए सारे डबल बॉन्ड, सिंगल में चेंज हो गए। तो ये जो डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हुए तो बेंजीन मेरा साइक्लोहेक्सेन बन गया। सेकंड इज हेलोजिनेशन। अगर हमारे पास बेंजीन है और उसमें तीन Br2 ऐड मॉलिक्यूल ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर तो हेलोजन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो एक जगह पे रिएक्शन होता है जिसे हमने कहा था हेलोजिनेशन विद मैकेनिज्म। लेकिन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करें तो बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्योंकि एक एक एच तो पहले मौजूद था, एक एक हेलोजन भी आ जाएगा, और जब एक एक हेलोजन आ जाएगा तो उसे हम क्या नाम देंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हर कॉर्नर पे एक एक ब्रोमीन लगा है, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। कंबस्शन, व्हेन बेंजीन इज बर्न्ड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर इट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड H2O। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जलाते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और एक वाटर बन जाता है। थैंक यू।